चांदी 30 ग्राम सोने के साथ कीमती सामान पर हाथ साफ किया। इस मामले में पीड़ित हरीश सोनी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। चोरी की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि वो दीपावली के अवसर पर बाहर गया था, लेकिन जब मंगलवार सुबह घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला। तो काम इस कॉलोनी है बरल रोड पे, यहाँ रीजी छोड़नी के चोरी हुई है, जहाँ पर घटना स्थल देख लिया, आइंदा जैसी रिपोर्ट देगा कार्रवाई कर लेंगे। हमारे यहाँ पे आज सुबह 4 बजे फ़ोन आया हमारे पड़ोसी का कि आपके घर के गेट दरवाजे खुले हैं। तो हमने फ़ोन किया, भाई क्या हुआ कि आपके घर में चोरी हुई है? अभी हम आए हैं, आके हमने देखा है, पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, हमने किस सामान को नहीं हाथ लगाया, लेकिन हमें जो सामान हमने अलमारी में रखा था वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। 2 लाख रुपए कैश, 4 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना, इसके अलावा जो गिरवी का सामान हम रखते हैं उसका अभी तक पुलिस आई नहीं है, तो हमने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है, अब वो आ जाएगी। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने।